वेलकम बैक। शुरू करते हैं अब कुछ नए टॉपिक। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है कि कभी आपको यूज पड़े या आता भी होगा। आप लोगों में से कितने लोगों को फ्लैश फिल पता है कि फ्लैश फिल क्या होता है? फ्लैश फिल क्या होता है किसी को पता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि अगर मान लें कि हमारे पास एक डेटा है, एक डेटा है जिसमें हमारे पास पूरा डिटेल है, जैसे उसका टाइटल है, नेम है, सरनेम है, ये सब कुछ है ऐसे, और सिंपली आपको बोला जाए कि इसको कुछ ऐसा करो ताकि ये टाइटल अलग हो जाए, नेम अलग हो जाए, सरनेम अलग हो जाए। ये तीन चीजें हमें ब्रेक मोड में चाहिए। तो ब्रेक मोड में हम इसको करने के लिए फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल इतना आसान है कि आपको एक मैनुअली लिखना है, एक सेल में डॉक्टर लिखना है, एक सेल में ब्रजेश लिखना है और एक सेल में आनंद लिखना है। हमने यहाँ पे तीन सेल में एक मैनुअली ऐसे लिखा है और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। देखिए कंट्रोल ई, इस पे जाएंगे ब्रजेश पे, कंट्रोल ई, और इस पे जाएंगे कंट्रोल ई किया, ये देखिए फ्लैश फिल। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि कभी आपको फुल फॉर्म में डेटा हो और उसको शॉर्ट फॉर्म में या ब्रेक करना हो टाइटल नेम सरनेम में, तो आप उसके लिए फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल करने के लिए कुछ भी नहीं करना था, एक मैनुअली ब्रेक करना था और कंट्रोल ई प्रेस करना था। हालांकि इस चीज के बारे में हमने यहाँ पे भी लिख दिया है कि आपको क्या क्या करना है, नोट्स में भी है, अलग से भी मैं नोट्स आपको दे दूंगा, उस पर भी ध्यान देना है कि क्या क्या हमने स्टेप्स लिए हैं। तो कुछ नहीं करना है कि एक नाम मैनुअली लिखना है, ब्रेक करना है, एक नाम मैनुअली, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है। बट देखिए इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो ऑप्शन है, जो ये नया फीचर आया एक्सेल के अंदर, ये आपके लेटेस्ट फीचर में मिलेगा। आपके पास अगर एमएस ऑफिस या एक्सेल का 2013 है, 16 है, 19 है, 365 है, इन सब में चलेगा। लेकिन आप अगर अभी भी 2007 या 2010 एक्सेल का वर्जन यूज करते हो तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको अपने अपने सिस्टम में ही चेक करना पड़ेगा कि आपके पास पुराने वर्जन के एक्सेल हैं या नए। तो नए वाले होंगे तो उसमें फ्लैश फिल होगा, पुराने वाले होंगे तो उसमें नहीं होगा। बट ये काम का चीज़ है, ये डेटा वगैरह बनाने में भी हमें हेल्प होता है। अब देखिए एक डेटा है मेरे पास, ऐसा डेटा है जैसा अभी हमने आपको दिखाया। हमने तो ये दिखाया था आपको कि ये हमारे पास ब्रेक मोड में है, फुल फॉर्म में है और इसको ब्रेक मोड में लेना है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि हमारे पास ये ब्रेक मोड में है और किसी ने बोला इसके बेस पे मेरे को इसका फुल नेम बना दो। तो फुल नेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लैश फिल का यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना, एक नाम आपको टाइप कर देना है और कंट्रोल ई प्रेस कर देना है, जो हमें अभी हमने आपको सिखाया है, कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। अगर मान लो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, हम कॉर्पोरेट ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डेटा वगैरह प्रैक्टिस के लिए बनाने के लिए बहुत बेहतरीन फंक्शन है। कैसे? डॉक्टर लिखा, ब्रजेश लिखा और आनंद लिखा, और मान लिया जाए कि इसमें हमने एट द रेट लगा के मेरे को yahoo.com का डोमेन पे ईमेल आईडी क्रिएट करना है प्रैक्टिस के लिए। कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल ई दबा देंगे, सारी ईमेल आईडी एक बार में तैयार होगी। तो फ्लैश फिल का बहुत सारा काम होता है। एग्जाम्पल में मैंने बहुत बेसिक बातें बताई, बट जरूरत पड़ने पे ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो नया ऐड हुआ है। फ्लैश फिल में देख सकते हो कि हम ब्रेक भी कर सकते हैं और हम ब्रेक किया हुआ को जोड़ भी सकते हैं।
प्लस जो चीज मेरे पास नहीं है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लैश फिल का यूज करना चाहिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर मान लो मेरे पास फ्लैश फिल नहीं है, मैं एक्सेल का पुराना वर्जन यूज करता हूँ और मेरे को इसको ब्रेक करना है, इसको हमें ब्रेक करना है जिसमें टाइटल नेम और सरनेम अलग हो जाए। तो अगर आपके पास 2007 वर्जन भी है तब भी पर आप यूज कर सकते हो, आपने किया भी होगा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन से ये काम हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेटेस्ट वर्जन होने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, डेटा टैब में। कहाँ जाना है, डेटा टैब में। डेटा टैब में अब आप जाओगे तो देखो डेटा टैब के अंदर हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं जिसमें एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फिक्स विथ और एक होता है डिलिमिटेड। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि दो वर्ड के बीच में आपने कोई ना कोई पैरामीटर जरूर सेट किया होगा, चाहे वो स्पेस हो या तो स्लैश हो, कोमा हो। और नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है, टैब हो, कॉमा हो, कुछ भी, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इसके बजाय अगर मैं स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे ब्रेक होता हुआ नजर आएगा आपको। जब ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए होता है कि फिनिश कर दीजिए। देखिए फिनिश अगर करोगे तो यहीं पे आपका डेटा ब्रेक हो जाता है पूरा का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं ब्रेक हो तो ये ब्रेक ऐसे नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि अगर ब्रेक हो तो मेरे को अलग से मिले जैसे फ्लैश फिल में मिल रहा था। ये फैसिलिटी भी है टेक्स्ट टू कॉलम में। जब आप नेक्स्ट करते हो, स्पेस करते हो, नेक्स्ट करते हो तो फिनिश मत करो, उससे पहले देखो एक होता है डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ। तो अभी है A1 इसीलिए यही ब्रेक करता है, मैं A1 को हटा के कर दूंगा B1। इस पर फिनिश बटन दबाएंगे, ये देखिए आपका काम हो गया। तो अगर आपके पास फ्लैश फिल नहीं है तो फिलहाल आपको टेक्स्ट टू कॉलम यूज करना होगा। लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है ब्रेक करना, उसका मतलब जोड़ना नहीं होता। जैसे आप फ्लैश फिल से जोड़ सकते थे, फ्लैश फिल से आप ईमेल आईडी बना सकते थे, ये सारा काम नहीं होगा, इसका लिमिटेड काम है। अब आ जाता है कि अगर मान लो 2007 वर्जन है और आपके पास वही सिनेरियो है कि ये आपका ऐसा है और आपको बोला गया है कि इसका फुल नेम चाहिए, तो आप क्या करोगे, 2007 यूज कर रहे हो इसीलिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन है कॉनकैटिनेट, शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, नहीं तो अभी तो आप पढ़ ही रहे हो कि कॉनकैटिनेट मतलब होता है मर्ज करना या मिलाना। तो आप इक्वल टू लगाओगे, कॉनकैटिनेट करोगे, कॉनकैटिनेट करोगे, टेक्स्ट वन मांगता है दे दिया, टेक्स्ट टू मांगता है दे दिया, टेक्स्ट थ्री मांगता है दे दिया। तो अगर सेवन यूज कर रहे हो आप तो कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा, बट एक प्रॉब्लम रह गया, किसी में स्पेस नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा सा और ट्रिक सीखना पड़ेगा कॉनकैटिनेट के लिए कि जब हम कॉनकैटिनेट करते हैं तो टेक्स्ट वन मेरा डॉक्टर है, कॉमा एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस डालिएगा, इसका मतलब है स्पेस, यानी कि पहला A1 हो गया और दूसरा हो गया स्पेस, तीसरा B1 हो गया, फिर हमें एक स्पेस चाहिए और फिर जाके आनंद करें, यानी इसमें तीन नहीं पांच टेक्स्ट हैं। तो अब जो आएगा ये सॉल्यूशन हो गया, यानी टेक्स्ट टू कॉलम नहीं भी रहेगा तब भी पर आप ऐसा काम, सॉरी फ्लैश फिल नहीं भी है तब भी पर आप काम कर सकते हो, बट वो टेक्स्ट टू कॉलम से नहीं होगा, वो हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन से होगा। कॉनकैटिनेट को दूसरे तरीके से यूज करने के लिए हम एंड सिंबल का यूज करते हैं, इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंड दिस करेंगे तो भी देखो ये बिल्कुल ऐसा वाला सिचुएशन मिल गया, या आप दिस एंड एक स्पेस, स्पेस के लिए ये होता है, फिर एक और एंड तब ये, फिर एक और एंड में एक और, फिर स्पेस, फिर एंड दिस। तो ऐसे करके भी आप कॉनकैटिनेट यूज कर सकते हो, एंड लगा के भी, एंड के सिंबल से भी कर सकते हो, कॉनकैटिनेट नाम के फंक्शन से भी कर सकते हो।
अगर आपके पास बहुत पुराना एक्सेल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी भी आप 2007 या 2010 वर्जन यूज करते हो, आजकल 699 रुपए में 5 लोगों के लिए 5% के लिए लाइसेंस एमएस ऑफिस आ जाता है, वो भी 365 लेटेस्ट वन, तो आप मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हो। 100-150 रुपए तो भाई एक साल के लिए ये है, तो 100-150 रुपए तो अपने जेब से भी लगा सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो हम आपको लिंक बता देंगे कहाँ से मिलता है इतना सस्ता और जेन्युइन होता है, ये कोई क्रैक नहीं होता है, ये जेन्युइन लिंक होता है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, वो ट्रिक हम बता देंगे। वैसे जहाँ से आप खरीदोगे वहाँ से 4800 रुपये का एक साल का आता है एक सिस्टम के लिए, 4800 रुपये का वन सिस्टम के लिए, वन पीसी के लिए आता है वन ईयर का। और मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊँगा उसमें 699 रुपये में आपको 5 पीसी मिल जाएगा वन ईयर के लिए, तो सोचो कितना सस्ता जगह मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से सोचो कि अगर आपको कंपनी बेयर नहीं भी कर रही है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे ओरिजिनल और एमएस ऑफिस 365 ऑफिस इंक्लूडिंग वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक सब लेटेस्ट वाला मिल जाएगा। तो अगर कंपनी बेयर नहीं भी कर रही है 100-150 रुपये आपके लिए या 600-700 रुपये, अपने जेब से भी लगा लोगे तो चलेगा। लेकिन पुराना वर्जन पे की कि हमारे ऑफिस में 365 नहीं है, मैं तो 2007 पे ही यूज करता हूँ, तो आप बहुत सारी चीज़ें नया नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसा लाइसेंस ले लें या खरीद लें जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। कई ऐसे अच्छे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे नया में एक्स लुकअप आ गया है, मेरे वाले में देखो एक्स लुकअप टाइप करूँगा तो है, आप में है ही नहीं पुराना वर्जन होगा तो कई ऐसे फीचर्स आप मिस कर रहे हैं अगर आप पुराना यूज करते हैं। तो कॉन्केटनेट का फिलहाल तो जुगाड़ हमने बता दिया कि अगर आपके पास फ्लैश फिल नहीं है, नया एक्सेल नहीं है, तो कॉन्केटनेट से ये काम कर लेंगे, बट कब तक कितना का आप ऑप्शन ढूंढते रहेंगे, इसलिए सबसे बढ़िया है कि ऑफिस 365 लीजिए। अभी जितनी भी बड़ी आईटी कंपनी है सब लोग लेटेस्ट वर्जन यूज करता है, आप भी करें, और ये आप अपने सेल पैकेट से भी कर सकते हैं, क्योंकि 4000 या 4800 रुपये आपको नहीं पे करना है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कहाँ से आपको 699 रुपये में मात्र मिल जाएगा आपको वन ईयर का, तो उसके लिए अलग से ग्रुप में डाल दीजिएगा, हाई करके डाल दीजिएगा, मैं आपको लिंक डाल दूंगा कि कहाँ से मिलेगा। ओके, सो नाउ कम टू की कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट सबको समझ में आ गया? कॉन्केटनेट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जैशन, ए जैशन, कोई डाउट है सर आपको? नहीं सर। ओके, और मुनील, मुनील कुमार, मुनील सर बताएं आपको कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट। ठीक है, सो आज और एक और सेशन जो रहेगा बहुत बेसिक बेसिक पे रहेगा, बट बेसिक बोलने का है, आपने देखा ही है कि अगर मैं ये बातें छोड़ दूं तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो आपको नया ही मिल रहा है, तो कहने का बेसिक है, ये बेसिक है नहीं एक्चुअली। आइए थोड़ा और चीज पढ़ते हैं। एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। किसको? इस टॉपिक को बोलते हैं हाइपरलिंक। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो हाइपरलिंक यूज करते होंगे या आइडिया होगा हाइपरलिंक के बारे में, बस एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिनको हाइपरलिंक आता है या हाइपरलिंक यूज करते हैं, एनीबडी जो यूज करते हैं। ओके, हाइपरलिंक में मोहिनी यूज करती हैं, आप बताएं मैम कि हाइपरलिंक में बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा बताएं एक लाइन में। एक्चुअली जब मैं हाइपरलिंक यूज करती हूँ तो बहुत सारे टैब्स होते हैं, बट मुझे एक शीट लेती हूँ जिसमें काइंड ऑफ इंडेक्स ले सकते हैं, उसमें टैब में हाइपरलिंक लगा के फिर वो शीट डायरेक्टली ओपन हो जाती है, मतलब बार बार टैब में नहीं जाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। हाइपरलिंक को लोग अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, मैं आपको तीन तरीके फिलहाल सिखा रहा हूँ। पहला होता है
जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन, लिंक बिटवीन टू सीट्स। दूसरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा लिंक बिटवीन टू फाइल्स, और जो तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं उसमें मैं बताऊंगा आपको लिंक बिटवीन, कुछ नहीं, इसको हम लोग तीसरे को एक नाम दे देते हैं वेब लिंक। इसमें से सबसे आसान है हमारा वेब लिंक। अगर मैं यहां पे डालता हूं www. आपका वेबसाइट का क्या नाम है मैम? आसियाना का वेबसाइट www.asianahousing.com asianahousing.com यही है ना जी? देखिए वेब लिंक इसी को बोलते हैं कि अगर आपने अपने वेबसाइट का सही से नाम डाल दिया है तो क्लिक करोगे तो हमें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, ये सीधा आपके वेबसाइट पे लैंड कर जाता है। आप ही की है ना वेबसाइट? Yes. है ना? इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं www.analyticaledupoint.com तो जैसे एंटर करूंगा और इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए सीधे हमारी वेबसाइट पे ये लैंड कर जाएगा, वेबसाइट हमारी वेबसाइट खुल जाएगा जहां पे आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं और क्या सब करवाता हूं एक्सेल के अलावा, हमारे यहां क्या क्या चीजें होती हैं। उसी तरह से लोगों को रोज google.com की जरूरत पड़ती है, गूगल पे तो रोज सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट का लिस्ट बना के एक्सेल में रख सकते हो, क्लिक करोगे डायरेक्टली आप जंप कर जाते हो उस वेबसाइट के ऊपर। ये बहुत अच्छा फीचर है, जानना चाहिए हम लोग। अब आते हैं पहले पे, जंप करते हैं, तीन के बाद मैं पहले पे आता हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ लिंक बिटवीन टू सीट्स। देखिए प्रैक्टिकली यूज की बात करता हूँ कि अभी हमने जब शुरू किया था तो कम से कम 10 से 12 शीट्स यूज कर चुका हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं एक इंडेक्स बना लूं यहां पे टॉपिक के नाम से, ताकि जब मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं अगर यहां पे लिखूं हाइपर लिंक और यहां पे क्लिक कर दूं इस पे तो ये पहुंच जाए सीधा इस वाले टैब पे। अगर मैं बोल दूं इसको कि कॉन्केटिनेट पे मेरे को ले चलो, या मैं आपको बोल दूं कि टेक्स्ट टू कॉलम पे ले चलो, चाहे मैं बोल दूं फ्लैश फिल पे ले चलो, तो आपको एक बार ये लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर आपको लाइफ टाइम के लिए इस फाइल में बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और कंफ्यूजन भी कम रहेंगे। कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, अभी मैं टॉपिक को लिस्टिंग कर रहा हूं, कल के डेट में आपके 20 क्लाइंट हैं तो 20 क्लाइंट का नाम लिख लो, 20 सिटी में बिजनेस है तो 20 सिटी का लिस्ट कर लो, आपके पास 20 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट वाइज कुछ आपने एनालिसिस करना है तो इसको लिंक कर सकते हो। एक बुक के अंदर जो कवर पेज उल्टाते हैं तो एक पेज होता है जिसको इंडेक्स पेज बोलते हैं, जिसपे हमारे टॉपिक के बारे में जिक्र होता है कि भाई ए बी सी डी वाला टॉपिक जो हमें 5वें नंबर पेज पे मिलेगा, एक्स वाई जी चैप्टर जो है हमें 90 नंबर पेज पे मिलेगा, साइंस के बारे में हमें 15वें चैप्टर पे 15वें पेज पे मिलेगा, आर्ट्स के बारे में हमें 50वें पेज पे मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा काम अगर हम करते हैं तो काफी टाइम सेव होगा। देखिए राइट क्लिक करेंगे लिंक नाम का ऑप्शन मिलेगा, या पुराने वर्जन में हाइपरलिंक भी हो सकता है। लिंक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि फाइल को कनेक्ट करना है या इसी डॉक्यूमेंट में काम करना है, तो हम बोलेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही दिस डॉक्यूमेंट करेंगे आपको ये पूरी लिस्ट खुल जाती है कि अभी तक आपने कितने सीट बनाए हैं, ये एक बार हमें बनाना पड़ेगा। देखिए हाइपरलिंक को हाइपरलिंक से कनेक्ट कर दिया, राइट क्लिक लिंक, टेक्स्ट टू कॉलम की बारी है तो टेक्स्ट टू कॉलम से लिंक कर दिया, फ्लैश फिल की बारी है तो फ्लैश फिल को फ्लैश फिल के साथ लिंक कर दिया, कॉन्केटनेट की बारी है लिंक कर दिया हम कॉन्केटनेट वाले सीट से। अब देखो फायदा कि अगर मेरे को टेक्स्ट टू कॉलम रिवाइज करना है, या मान लो टेक्स्ट टू कॉलम नाम का मेरा क्लाइंट है इसके बारे में जानना है, इस पर क्लिक किया सीधे हम उस क्लाइंट के पास पहुंच गए। अगर मेरे को
कॉन्केटनेट के बारे में समझना है तो डायरेक्ट हम इस क्लाइंट के ऊपर पहुंच गए या इस टॉपिक पे पहुंच गए। हमें हाइपरलिंक पे जाना है तो हमें एकदम से ध्यान में आ जाएगा कि सर ने तीन पॉइंट्स पे जिक्र किया था हाइपरलिंक के बारे में। फ्लैश फिल के बारे में जानना है तो आपको एकदम से ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा फ्लैश फिल में ये सारे ऑप्शंस बताया था सर ने। तो दिस वे वी कैन कनेक्ट, सीट आपकी बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आप कनेक्ट करते चलोगे। जैसे कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट क्रिएशन और एक इन बिल्ड कस्टम लिस्ट, दो हम और बना के दिखाते हैं। राइट क्लिक, फिर से लिंक करा, कहाँ जाएंगे, एग्जिस्टिंग फाइल या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कस्टम लिस्ट क्रिएशन यहाँ पे है, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट लिंक, एक ही चीज तो है सब, बस एक बार लिंक कर लो बस। जब तक ये फाइल आपके पास रहेगा ये फाइल काफी सिस्टमेटिक तरीके से आप जंप करके उस सीट पे जा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है बेसिक के अंदर, इसीलिए आज आपको हम सिखा रहे हैं। लेकिन चलो आपने तो यही सीखा है या और यही काम करते हो, बट मैं आपको इस टॉपिक के अंदर रिवर्स हाइपरलिंक भी बनाना सिखा रहा हूँ। रिवर्स मतलब कि अगर मैं फ्लैश फिल पे जाऊँ तो एक बटन यहाँ पे भी कोई हो जो हमें वहाँ से क्लिक करे तो टॉपिक पे पहुँचा दे, समथिंग लाइक दैट। मैं क्या करता हूँ, चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के भी कर सकते हो और थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, आप देखो इंसर्ट के अंदर सिंबल होते हैं या शेप्स होते हैं, तो शेप्स में जाके आपको कोई एरो वगैरह ले लेना है, एरो इस तरह का, इस तरह का एरो ले लेंगे। एरो पे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखने का ऑप्शन होता है राइट क्लिक करके, देखो लिखने का ऑप्शन होता है एडिट टेक्स्ट, यानी किसी भी शेप के ऊपर हम लिख भी सकते हैं। हमने लिख दिया जंप टू टॉपिक, ऐसा कुछ लिख दिया, थोड़ा अप्रोप्रिएट और अच्छे नाम का यूज करेंगे, अच्छे टर्म का यूज करेंगे। इसको चाहो तो साइज बड़ा कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो भी करना है कर सकते हो। ये दिखने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो देखो शेप फॉर्मेट के अंदर एक शेप इफेक्ट होता है जिसमें बने बनाए कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो काफ़ी खूबसूरत इम्पैक्ट देखा, देखिए वो काफ़ी खूबसूरत इम्पैक्ट वगैरह भी देता है, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ हमने काम किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये हमें कहाँ ले जाए, टॉपिक के ऊपर। तो इस पर भी राइट क्लिक ही करोगे, इस पर भी आप लिंक ही करोगे, लेकिन इस बार जो लिंक करोगे किससे लिंक करोगे, टॉपिक वाले से। बन गया मेरा स्विच, कैसे, अभी मैं फ्लैश फिल पे हूँ, जंप टू टॉपिक किया तो हम टॉपिक वाले सीट पे आ गए, और फ्लैश फिल पे गया तो जंप टू टॉप, फिर यहाँ आ गए, फ्लैश फिल पे आ गए, मतलब हमारे पास स्विच हो गया ऑन ऑफ। क्योंकि अभी आपके पास 10 सीट है तो चलो आप ढूंढ लोगे, 50 सीट बन जाएगी, ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा, क्यों ना हम हाइपरलिंक का यूज करें। तो फ्लैश फिल से आप चले जाते हो फ्लैश फिल वाले पे और जंप टू टॉपिक से चले जाते हो टॉपिक पे। तो हमें हर बार तो टॉपिक पे ही रिटर्न होना है, तो इतनी बार आपको हाइपरलिंक बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लो और आप अपने जरूरत के हर सीट पे, जहाँ जहाँ पे भी आपको जरूरत है, इस तरह का लिंक पेस्ट कर दो हर सीट में, जहाँ पे भी आपको जगह मिलता है आप लिंक पेस्ट कर दो। जब भी आपको जंप करना होगा तो आप सीधे वहाँ पे पहुँच जाओगे। एग्जाम्पल के लिए कि मैं हाइपरलिंक पे जा रहा हूँ, यहाँ तो पहुँच ही गए, बैक टू टॉपिक, टॉपिक पे आ गए, फ्लैश फिल पे आए, हमें फिर से टॉपिक पे जाना है तो टॉपिक पे आ गए, कस्टम लिस्ट क्रिएशन बैक टू टॉपिक पे आ गए, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट इस पे अभी नहीं डाला है, अगर डालना चाहते हो डाल दो, बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है, एक बार बनाना है रिवर्स लिंक, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट ही तो करना है। इसलिए आपका ये सारा सिस्टम इतना सिस्टमेटिक हो जाएगा, आप अपनी फाइल को इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप रखने लगेंगे कि आपको खुद भी नहीं एहसास होगा कि कितना अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सेट हो गया। लेकिन एक टॉपिक और है, इसको बोलते हैं लिंक बिटवीन टू फाइल्स। सोचो मैं आपको जिस दिन ट्रेनिंग होगा तो मैं तो आपको भेजूंगा ना एक्सेल शीट, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके भेजूंगा,
अगर आपको ये भी रिवीजन करना है कि डे वन में सर ने क्या पढ़ाया, तो राइट क्लिक से मैं सेट कर लूँगा, यानी आप सेट करेंगे कि जो मैंने फाइल आपको भेजी होगी, मान लो पहली डे वन पे मैंने ये वाली फाइल भेजी थी आपको, मान लो डे वन डे टू पे आपको मैंने ये वाली फाइल भेज दी, डे थ्री पे मैंने आपको कोई और फाइल भेज दी, ये वाली भेज दी, इस तरीके से मैंने तीन फाइल भेजी। आपको कैसे पता चलेगा पहला दिन सर ने क्या किया? जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पर्टिकुलर वो फाइल खुल जाएगा जिसमें उस दिन जो भी कुछ हुआ रहेगा आपको पता चल जाएगा। अगर उस दिन लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज करवाया गया है तो उस पर्टिकुलर पे आप हाइपरलिंक ये सीट वाला भी लगा के रखो। डे टू पे गए, अब डे टू पे गए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे सीट्स बने हुए हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया, तो यहाँ पे आप सीट वाला हाइपरलिंक बना के रखो। और अगर आप डे थ्री पे जाएंगे तो डे थ्री को भी लिंक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सेल के फाइल को ही लिंक कर सकते हैं। अगर आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हो, अगर आप वर्ड की कोई फाइल है, अगर आपके पास कोई सॉन्ग्स या म्यूजिक है, सब कुछ यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो हाइपरलिंक के माध्यम से। डे फोर पे लिंक करेंगे, अभी तक हमने एक्सेल की फाइल लिंक करके दिखा है। मान लो हमारी कुछ फाइलें हैं जो डेस्कटॉप पे पड़ा हो या वो वर्ड की फाइल हो, मान लो डेस्कटॉप पे कोई ऐसी फाइल होता जो वर्ड की फाइल हो, जैसे यहाँ पे देखिए कि एक रेंट एग्रीमेंट की फाइल बनी हुई है वर्ड की फाइल, ओके करा। डे फाइव पे मैंने आपको मान लो कि पीपीटी पढ़ाई होती, हालांकि आपके सिलेबस में वर्ड पीपीटी वगैरह नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक दिन पीपीटी पढ़ाया, तो हम पीपीटी वाली फाइल को कनेक्ट कर देंगे इसमें। मान लो यहाँ पे वर्टिकल के नाम से मैंने पीपीटी वाली फाइल को कनेक्ट कर दिया। फायदा देखते हैं, सिर्फ एक्सेल फाइल ही नहीं, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी फाइल खुल जाएगा, यानी कि फाइल में लिंक, हम किसी भी चीज़ का लिंक कर सकते हैं, किसी भी तरह का पीडीएफ से लिंक कर सकते हैं, पेंट की फाइल से लिंक कर सकते हैं, म्यूजिक की फाइल से लिंक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं डे फाइव करता हूँ, जैसे मैंने डे फाइव किया तो हमारे पीपीटी वाले शीट पे हम लोग चले गए, जहाँ पे आप पीपीटी जो हमने बना रखी है उस तरह का पीपीटी वाले फाइल पे चले गए, वहाँ पे अपना जैसे ही मैंने पीपीटी रन करवाया तो आप देखेंगे कि म्यूजिक के साथ वो चीज़ें रन हो गई और पीपीटी में चलने लगा चीज़ें। तो जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे उस फाइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं फाइल वाले ऑप्शन। वेब लिंक में कुछ नहीं करना पड़ता, फाइल वाले में फाइल को लिंक करना पड़ता है, सीट में सीट को लिंक करना पड़ता है। ओवरऑल इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। एक रिवर्स हाइपरलिंक इसलिए बनाना चाहिए ताकि और सिस्टमेटिक हो जाए सब कुछ। ये इनबिल्ट कस्टम लिस्ट बनाया है तो पूरा रिवीजन के बाद हमें वापस तो आना है, क्यों ढूंढोगे इधर कि टॉपिक किधर है, सीधे बोलो जंप टू टॉपिक। आपने कॉन्केटनेट सीख लिया, सीखने के बाद कहाँ टॉपिक ढूंढोगे, जंप टू टॉपिक करो। तो इस तरीके से हाइपरलिंक अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? सर इसमें जंप टू टॉपिक वाला आप एक बार रिपीट कर पाएंगे क्या? हाँ, जंप टू टॉपिक को मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ सिंपल था कि जैसे मान लो कि मेरे को एक वापस लिंक बनाना, तो मैंने क्या किया, अगर चाहते बहुत नॉर्मल तरीके से चाहते हो तो आप यहाँ लिख ही लो डायरेक्ट जंप टू टॉपिक, ज़्यादा कहीं कुछ सोचना ही नहीं है, जंप टू टॉपिक में चले गए। इस पे हाइपर लिंक बनाना है, राइट क्लिक, लिंक कहाँ, तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, किस पे, टॉपिक पे, तो टॉपिक, बस इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये कि उतना दिखने में प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, काम वही कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा हम चाहते कि थोड़ा सुंदर दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे। मैं सीरियल नंबर क्रिएशन के ऊपर पहले एक लिंक बना रहा हूँ, हाइपरलिंक नॉर्मल। देखिए मैंने सीरियल नंबर क्रिएशन के ऊपर हाइपरलिंक बना दिया, यानी कि यहाँ से हम पहुँच गए सीरियल नंबर पे। ये जंप टू टॉपिक मान लो कि हमें दोबारा बनाना है, तो मैंने डिलीट कर दिया। कैसे बनाएंगे दोबारा,
वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास शेप्स के काफ़ी ऑप्शन होते हैं, मतलब अच्छा बनाना है, लुक एंड फील अच्छा सा फील हो। उसके बाद देखो दुनिया भर के इसमें वो है, सिंबल है, कोई भी आप सिंबल ले सकते हो, कोई भी सिंबल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मान लो कि आपको ये वाला पसंद है, इस वाले शेप के ऊपर राइट क्लिक करके लिखने का ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एडिट टेक्स्ट, सो यू कैन राइट। हम हिंदी में लिख रहे हैं मुझे टॉपिक पर ले चलो, मान लो कुछ भी, तो ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको जो मर्जी वो लिखना। लिख दिया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि मुझे टॉपिक पे ले चलो, और इसको अच्छे से थोड़ी फॉर्मेट करी, मतलब सेंटर कर दिया, थोड़े इसके फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, थोड़े साइज बढ़ा दिए ताकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे। और अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शेप फॉर्मेट के अंदर देखो शेप इफेक्ट में से काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, इनमें से कोई भी इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। अब थोड़ा लुक एंड फील अच्छा, बट अभी कुछ नहीं होगा, इसमें लिंक बनाना पड़ेगा, राइट क्लिक और लिंक, और लिंक किस पे करेंगे, टॉपिक से। तो दोनों में से क्या हुआ कि अब ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमें कहाँ ले जाएगा, टॉपिक वाले पे ले जाएगा, जहाँ पे हमने टॉपिक बना रखा। देखिए इस पे मैंने नए तरीके से दोबारा से बनाया। तो ये डिजाइन में हम कोई भी शेप ले सकते हैं लुक एंड फील अच्छा देने के लिए, यानी डैशबोर्ड्स वगैरह में भी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। और प्लस अभी आपको जितना भी डेटा आपका इधर उधर आप बना के रखे हुए हैं, उस तरह के डेटा को बहुत अच्छे तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इसको अरेंज करके रख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इतने में, नहीं होना चाहिए। आइए एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम ही है रैंडम डेटा क्रिएशन। क्या नाम है, रैंडम डेटा क्रिएशन, मतलब इसका रियल टाइम से कोई लेना देना नहीं है, रियल टाइम से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब अगर मेरे पास किसी ने बोला कि मेरे को दो डेटा तैयार करना है, एक डेटा ये हो गया और एक डेटा हमारे पास ये तैयार करना है, दो डेटा तैयार करना है, मैंने बोला कि यहाँ पे हमें 0 से 1 के बीच में तैयार करना है। देखो रेंड एक फंक्शन होता है जो हमारे लिए रेंडमली नंबर जनरेट करके दे देता है एक सेल में, जो 0 और 1 के बीच में होता है। देखो 2 सेकेंड के अंदर या 5 सेकेंड के अंदर इतना सारा डेटा आपका तैयार हो गया, और लेकिन ये जो डेटा है ये 0 से 1 के बीच में है। उसी तरीके से कभी आपको किसी ने बोल दिया कि मेरे को 1000 से 5000 के बीच में दे दो, तब रैंड नहीं, तब रैंड बिटवीन एक फंक्शन है जो हमें एक डेटा रैंडमली, यानी प्रैक्टिस के लिए कोई डेटा की जरूरत पड़ेगी तो आप इस दोनों का यूज कर सकते हैं। एक नंबर आ जाएगा जो ये दोनों के बीच में होगा, बस आपको ड्रैग करके जितना चाहिए उतना डेटा आप ले लें। अब आती है बाड़ी कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। इन दोनों का एक ही फीचर होता है, बार बार बदलना। देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये सेल पे नज़र दो और ये सेल, वैसे ये सारे काम सारे सेल पे होता है। देखो यहाँ 3 3 3 2 2 0 लिखा है, यहाँ पे 0.66 लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनीष। मनीष लिखते ही देखो वैल्यू बदल गया दोनों का, दोनों नहीं हर का वैल्यू बदल गया। मैं लिखता हूँ शुभम, लिखते इंटर मारते ही वैल्यू बदल गया। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो बदल गया। हर बार ये देखो डेटा बदलता, ये रैंड बिटवीन और रैंड, देखो एक फंक्शन था आपका रैंड और दूसरा था रैंड बिटवीन, इससे हमें क्या होता है कि रैंडमली डेटा जनरेट करने में सहूलियत होती है। अब आता है कि इसका यूज क्या होगा। पहला यूज तो यही है कि आपको प्रैक्टिस के लिए जितना डेटा चाहिए, लाख में करोड़ में जितना डेटा चाहिए उतना बना सकते हैं। दूसरा, दुनिया की सारी इंडस्ट्री OTP जनरेट करने के लिए इसी फंक्शन का यूज करता है, OTP वन टाइम पासवर्ड, OTP। अगर मान लो कि आपने हमें 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है कंफर्मेशन के लिए, 1805। जब तक कंफर्म नहीं करोगे वो सक्सेस नहीं होगा या ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा।
लेकिन वन टाइम पासवर्ड क्यों बोलते हैं कि मान लो दूसरे को 5000 फिर करेंगे तो इस बार बदल जाएगा। अगर ये बदलने वाला फीचर नहीं होता तो रेंडमली डेटा भी जनरेट नहीं होता और आज हमारे पास OTP का जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ये भी हमारे पास नहीं होता। ये तो हो गया जब आप रेंडम डेटा जनरेट करेंगे तो। लेकिन एक सवाल और लगे हाथ आ जाता है हमारे पास कि सर इसका तो फीचर ये है कि बार बार ये बदलता है लेकिन मैं चाहता हूँ ये बार बार ना बदले। तब आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद पेस्ट स्पेशल का यूज किया होगा। पेस्ट स्पेशल क्या होता है? सिंपली कि आप डेटा को कॉपी कर लो और राइट क्लिक करने पे एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आता है। कंट्रोल वी के बजाय आप पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके ओके कर दोगे तो ये फॉर्मूले चूंकि डिलीट हो जाएगा सिर्फ वैल्यू रह जाएगा तो आपके डेटा में अब किसी तरह का चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका यूज होता है रैंडम डेटा बनाने के लिए और पेस्ट स्पेशल का यूज होता है अगर उस डेटा को फ्रीज करना चाहते हैं तो। तो एक टॉपिक आपका हो गया रैंडम डेटा क्रिएशन और एक हो गया पेस्ट स्पेशल। तो इस तरीके से आज हमने बहुत 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 ज़्यादा बेसिक वाली बात करी है लेकिन कल मतलब परसों जब आपका सेशन रहेगा तो ध्यान रखना है कि ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों से पूछूंगा और किसी से भी पूछ सकता हूँ और रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये भी पोल खुल जाएगा कि कौन कितना मेहनत किया है, किसने कितना, किसका रियल टाइम में बहाना है और किसका रियल टाइम में बहाना नहीं है, सिर्फ बहाना है। तो बहाने से बाहर निकलना है, सीखना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल बात बोल रहा हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए इस सीट का भी आप हेल्प लेंगे, नोट्स का भी हेल्प लेंगे। जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा वो वीडियो से मिलेगा। वीडियो को बार बार देखो, कोई लिमिट मत रखो कि एक बार देखेंगे कि दो बार देखेंगे, हज़ार बार देखो, मना थोड़ी ना किया जा रहा है। आपके पास उतने टाइम होने चाहिए तो आप कितनी बार देखेंगे ये आपके इंटरेस्ट और टॉपिक के हिसाब से डिसाइड आप खुद कर सकते हैं। देखो मिनिमम एक बार तो सबको बोलूँगा देखने, लेकिन टॉपिक के हिसाब से कोई लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो दो बार तीन बार देखिए, कोई लगता है कि बिल्कुल समझ में आ गया तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपके पास उसका ऑप्शन रहेगा। ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले QA सेशन ही होगा हमारा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 10 to 15 मिनट, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हमसे पूछें। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मेरी बारी शुरू हो जाएगी तो आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। तब बीच में आप नहीं पूछेंगे तब फिर मैं पूछूंगा और रेंडमली मैं पूछूंगा, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सबसे पूछूं। रेंडमली मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूं, तो आपको सबको रेडी रहना है। सब चीज़ क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। होपफुली डाउट आएगा, अभी नहीं, जब आप खुद से करेंगे तो डाउट आएगा। नो रीडिंग नो कन्फ्यूजन, मोर रीडिंग मोर कन्फ्यूजन, जितना पढ़ेंगे उतना डाउट आएगा, इसलिए पढ़िए। मैं चाहता हूँ आप डाउट लेके आए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वीडियो देखने के बाद कोई डाउट बचेगा, क्योंकि आपने लाइव क्लास ली है, वीडियो बैकअप है आपके पास, नोट्स का बैकअप है, उससे भी बड़ा बैकअप है जब हम आपसे क्वेश्चन पूछने को बोलेंगे, जब आप हमसे पूछेंगे, तो कोई ऑप्शन ना का कोई जगह नहीं है। ठीक है, सो होपफुली आज की सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में परसों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Thank you.